नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी के महीने में आपको, यानी कि नेक्स्ट 3 वीक्स में कौन कौन से कॉइन हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं अच्छा खासा, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडिंग करते हैं तो आप कुछ अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि प्रॉफिट कैसे किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सचेंज, तो आगे बढ़ने से पहले आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हर कॉइन के बारे में जानकारी मिलती रहेगा इस। ठीक है दोस्तों, और चलो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट की। जो हमारा पिछला वीडियो था 25th of December, उसके दौरान हमने 5 कॉइन आपको बताए थे, तो ज़रा उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। सियाकॉइन, सियाकॉइन का रेट जो है वो लास्ट टाइम बूम किया था काफ़ी, और अभी अगेन वो बूम में, और डिजीबाइट का लास्ट का जो हाईएस्ट था 662 था लास्ट टाइम 2 वीक पहले। ठीक है, और वो ऑलरेडी बूम कर चुका था, और RDD कॉइन का लास्ट का जो हाईएस्ट था 196 था, 2 वीक पहले की बता रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, और डोजी कॉइन का हाईएस्ट 150 से ज़्यादा था पिछली बार, और अभी 2 वीक के बाद से ये दोबारा से इनमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट स्टार्ट होने हो गया, यानी कि इनका प्राइस अगेन 2 वीक के बाद बढ़ रहा है, जो कि डीप में चला गया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन था हमारा स्टेलर। दोस्तों स्टेलर की न्यूज़ मैंने जो शेयर की थी वो की थी 1500 से 1500 के करीब, और इसका जो रेट गया था वो गया था 6120 के आसपास, इसका हाईएस्ट रेट गया था, यानी कि 1487 से 6120 के आसपास, और अभी डाउन है, इसका रेट है 4150। तो इस कॉइन में अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो काफ़ी प्रॉफिट रन किया होगा यहाँ से। और दूसरा जो 5वां कॉइन था वो हमने बताया था आपको BCN बाइट कॉइन। ठीक है गाइस, बाइट कॉइन उस टाइम 40 के आसपास था करीब, और वो उस टाइम 70 के आसपास गया था। ठीक है, और अभी ये कॉइन दोबारा से बूम स्टार्ट हो गया इसमें। ठीक है, अभी ये 99 सतोसी है, 2 वीक के बाद डिप में था, अभी फिर इसने जो इसका जो प्राइस है वो गेन होना शुरू हो गया है, और इसका जो प्राइस है वो आने वाले दिनों में 200 से 300 सतोसी तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, BCN बाइट कॉइन पोलोनिक्स पर है, अगर आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पोलोनिक्स पे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यहाँ से आप बाइट कॉइन से भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट के 3 वीक बचे हुए हैं जनवरी के, तो मैं आपको जो कॉइन बताने जा रहा हूँ उन कॉइन में आपको सेफ ट्रेडिंग करना है, और आपको अपना सारा का सारा बिटकॉइन वहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है। ऑलवेज 20-30% आप यूज़ कीजिए, सेफ ट्रेडिंग कीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो आने वाले 3 वीक है उनमें कौन कौन से जो कॉइन है अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है गाइस, तो जो कॉइन है, एक तो आप बाइट कॉइन है BCN, तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए थोड़ा। बाइट कॉइन का जो रेट है वो अप्रोक्सीमेट 200 से 300 सतोशी आने वाले 3 वीक में बढ़ सकता है, और इसका जो पिछला जो हाईएस्ट था वो 296 था। ठीक है, तो 4 से 5 महीने से यह कॉइन डिप में चल रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर में इस कॉइन की काफ़ी संभावनाएं हैं आने वाले टाइम में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मैं बात करूँगा सियाकॉइन की। फर्स्ट सियाकॉइन को अगर आपने बाई किया है तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि 31 जनवरी को इसकी एक न्यूज़ है अपने पास, इसमें क्या है कि फोरक होने वाला है 31 जनवरी को, तो आपको यह कॉइन अगर आप होल्ड करेंगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है गाइस, और अभी इसका जो सियाकॉइन का जो रिकॉर्ड है वो 690 के आसपास का है, अगर 690 ब्रेक करता है तो यह 800 सतोसी तक बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बाइट कॉइन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बाइट कॉइन, और ये जो बाइट कॉइन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाइट कॉइन है
उसका जो रेट है एट प्रेजेंट वो 99 से तो से चल रहा है, तो आने वाले दिनों में इसमें भी काफ़ी मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉइन है अपना उसके बारे में फोकस करते हैं हम। सॉरी, हाँ, जो नेक्स्ट कॉइन है वो है डोजी कॉइन। डोजी कॉइन का जो रेट है वो 60 सतोशी से मूव किया है 95 सतोशी तक, तो आने वाले दिनों में इसका प्राइस भी बढ़ सकता है काफ़ी। ठीक है, तो डोजी कॉइन आप सेफ जोन में बाई कीजिए। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रोनियम कॉइन। इलेक्ट्रोनियम कॉइन का जो रेट है अभी कल इसका 3,1399 सतोशी तक हाईएस्ट जा चुका है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनियम का टाइप हुआ है एक कंपनी से जो कि इसको इंटरनेशनल यूज़र्स के थ्रू इनका जो पेमेंट गेटवे है वो एक्सेप्ट करवाएगी, तो उस कंपनी के साथ टाइप होने के बाद की जो न्यूज़ है उसके बाद से इसके प्राइस में बूम आया है। ठीक है, जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनियम का XIUS जीसस के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ है इलेक्ट्रोनियम का एज ए पेमेंट मेथड अक्रॉस 9 लैटिन अमेरिकन कंट्री। जो अमेरिकन के 9 लैटिन कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रियों में इलेक्ट्रोनियम को एज ए पेमेंट गेटवे के रूप में वो एक्सेप्ट करेंगे, और उसके जो सब्सक्राइबर है उसका जो रेट है एवरेज 1 बिलियन के आसपास, $1 बिलियन के आसपास इसका जो अमाउंट है वो वहाँ पर बढ़ने के चांसेस हैं, और इसके जो ट्रांजेक्शन है वो हर महीने $1 बिलियन के आसपास इसके जो ट्रांजेक्शन है वो होने चाहिए वहाँ पर, तो उसके लिए इनकी पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, और जैसा कि यह एक माइनेबल करेंसी है मोबाइल से, ठीक है, तो इसको जो माइनेबल जो करेंसी है इसको जीसस के साथ मिलकर के इन्होंने कुछ प्लान किया है कि 9 अमेरिकन जो कंट्री है उनमें एक्सेप्ट हो गए, और उसके बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होगी वहाँ पर, और उसके द्वारा इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद इसका जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, तो आप क्रिप्टो राठौर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको वहाँ पे टिप्स मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मूनकॉइन। मूनकॉइन अभी 4 से 5 सतोशी के आसपास चल रहा है क्रिप्टोपिया के ऊपर। ठीक है, तो क्रिप्टोपिया नहीं, मूनकॉइन जो है कॉइन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कॉइन एक्सचेंज पे इसका हाईएस्ट रेट 6 सतोशी जा चुका है, एट प्रेजेंट 4 सतोशी चल रहा है, तो इस कॉइन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो आप मूनकॉइन को बाई करके यहाँ से प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है गाइस, मूनकॉइन अभी काफ़ी डाउन है तो आने वाले टाइम में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है BCC बिटकॉइन कैश। तो दोस्तों बिटकॉइन कैश को आप बाई कर सकते हो, अभी अच्छा टाइम है आपके पास बाई करने का, हाईएस्ट 161 तीन दिन से ही है, काफ़ी डाउन चल रहा है, और जो आज का जो रेशियो मैं आपको दिखा रहा हूँ लोवेस्ट 140 है हाईएस्ट 160 है, अभी 150 0.150 चल रहा है जो कि फ्लक्चुएशन करेगा। ठीक है, तो इस कॉइन से ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं बिटकॉइन कैश के साथ। नेक्स्ट कॉइन जो अपना है वो बिटबीन है। बिटबीन का रेट 204 से तो चल रहा है अभी गाइज, 140 लोवेस्ट था और अभी 204 है। यह कॉइन भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको ट्रॉन कॉइन, TRX कॉइन। ट्रॉन कॉइन गाइज अभी 4 दिन पहले 390 सतोशी से 2047 सतोशी 2047 सतोशी तक इसका जो रेट है वो गया है। ठीक है, और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी 67,000 BTC है, उस टाइम इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 150,000 बिटकॉइन के आसपास था। ठीक है, 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और इसकी जो न्यूज़ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट, JU और PQU के साथ। ठीक है, इस वीक के लिए, ठीक है, इस वीक में इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उसके साथ इनका कुछ कॉन्टैक्ट हुआ है ट्रॉन का, इसलिए इस कॉइन में जो है बूम आना स्टार्ट हो गया है। यह कॉइन अगर आपने बाई कर रखा है तो आप इसको होल्ड करके रखिए, यह कॉइन आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न देख के जाएगा। ठीक है गाइस, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस का अप और डाउन ही ट्रेडिंग का नाम है। ठीक है, प्राइस अप भी होगा डाउन भी होगा तो इसी चीज़ को हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जब भी कभी डाउन हो तो आपको पैनिक वहाँ पर नहीं होना है गाइस, आपको पेशेंस रखना है। आने वाले दिनों में वो कॉइन TRX कॉइन, दोस्तों TRX कॉइन में आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जैसा कि ऑलरेडी यह 2047 सतोशी टच कर चुका है, तो आने वाले दिनों में इसमें जो प्राइस है उसके इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप एरेलिम कॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं जो कि क्रिप्टोपिया पर रजिस्टर्ड है।
एरिलियम कॉइन जनवरी में लॉन्च हुआ था, एक माइनेबल करेंसी है ये, ठीक है। और इसका जो पिछले 6 महीने से रेट था वो काफ़ी डाउन था, 60 से 80 के आसपास चल रहा था लोवेस्ट। और 6 लाख कॉइन अभी मार्केट में ऑलरेडी हैं, सप्लाई 6 लाख की अभी हो रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस कॉइन में भी जो प्राइस है फ्लक्चुएशन वो स्टार्ट हो गया है, इस कॉइन का रेट भी स्टार्ट हो गया है। तो इस कॉइन में आप छोटी छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं सेफ जोन में रह कर, ठीक है। तो गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, छोटी छोटी ट्रेडिंग सेफ जोन में रह के आप कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आने वाले दिनों में आपके लिए हर प्रकार की क्रिप्टो ट्रेडिंग की न्यूज़ मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।